सिंगरौली जिले के भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता का हुआ आयोजन। मध्य प्रदेश भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष कांत देव सिंह व अन्य कार्यकर्ता रहे उपस्थित। मध्य प्रदेश भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष एवं भाजपा जिलाध्यक्ष वीरेंद्र गोयल सहित सिंगरौली विधायक रामलल्लू वैश्य की उपस्थिति में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के चौथे कार्यकाल के एक साल पूरा करने पर स्वर्णिम एक साल करार देते हुए उपलब्धियां गिनाई। इस मौके पर प्रदेश उपाध्यक्ष श्री सिंह ने बताया है कि कांग्रेस की कमलनाथ ने झूठ बोलकर मध्य प्रदेश में सरकार बनाई थी। किसानों का कर्जा माफ भी नहीं किया था। कांग्रेस के लोग अवैध खनन में संलिप्त हो गए थे जिससे प्रदेश में माफिया राज चलने लगा था। कमलनाथ अपने अहंकार में डूब गए थे। यही कारण हुआ कि उनके पार्टी के नेता ही सरकार के खिलाफ आवाज उठाने लगे। सिंधिया को भी चुनौती दी थी जिससे वे अपने समर्थकों के साथ भाजपा में आ गए। उन्होंने कहा है कि कमलनाथ ने मीसा बंदियों की पेंशन बंद कर दी थी, गरीबों के संबल योजना को भी बंद करके उनके हक मारने का पाप किया था, केंद्र सरकार द्वारा किसानों को दी जाने वाली सम्मान निधि का भी लाभ नहीं लेने दिया, मध्य प्रदेश से किसानों की सूची तक नहीं भेजने दी। वार्ता हुआ है क्या, कुछ उद्देश्य था प्रेस वार्ता का? मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने ये तय किया है कि दिनांक 22 तारीख को समूचे जिला मुख्यालय में विभिन्न पदाधिकारियों के माध्यम से प्रेस वार्ता करके सरकार के एक वर्ष की योजनाओं की जानकारी पत्रकार बंधुओं के माध्यम से जनता तक पहुँचाई जाए। इस नाते हम सब लोग 15 महीने बनाम 12 महीने ये तुलनात्मक दृष्टि से ये देखते हुए कि 15 महीनों की सरकार जो कमलनाथ जी की थी उस समय मध्य प्रदेश में कितना भ्रष्टाचार था, कितनी कठिनाइयों से गुजर रहे थे प्रदेश के लोग, और 12 महीने में जब से शिवराज जी की सरकार आई है इन 12 महीनों में कितने जन कल्याणकारी कार्यक्रम हुए, इन योजनाओं की जानकारी आपके माध्यम से जनता तक पहुंचाने के लिए आज भाजपा सरकार के एक साल क्या कहेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की यह सरकार जो कि आज एक वर्ष पहुंची, हम भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता मिलकर के आपके माध्यम से आज पत्रकार वार्ता के माध्यम से इस सिंगरौली की जनता को यह बताना चाहते हैं कि जो पिछली 15 महीने की कांग्रेस की सरकार थी उस 15 महीने के बनाम हमारी 12 महीने की सरकार ने क्या क्या किया। ऐसा यह बताने की भी आवश्यकता नहीं है, यह पूरे प्रदेश की और पूरे देश की यह जनता जान रही है। इस भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जिस तरह से सरकार ने कोरोना जैसी वैश्विक महामारी का समय रहा हो या किसानों के लाभ के का विषय रहा हो या हितग्राहियों को लाभ देने का विषय रहा हो या जो जनकल्याणकारी योजनाएं कल तक बंद कर दी गई थी कांग्रेस के कार्यकाल में, आज उसे पुनः चालू करा करके उन हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN News। बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं। दी कौटिल्य कंपटीशन क्लासेस, पहले आएं और पहले प्रवेश पाएं। सभी अभ्यर्थियों के लिए UPSI GD कांस्टेबल के आधार पर परीक्षा कराई जाएंगी। परीक्षा में प्रथम आने वाले 3 अभ्यर्थियों के लिए कोचिंग संस्थान द्वारा निशुल्क शिक्षा। परीक्षा में द्वितीय आने वाले 5 अभ्यर्थियों के लिए 40% की छूट। परीक्षा में तृतीय आने वाले 20 अभ्यर्थियों के लिए विशेष छूट। नोट, नियम एवं शर्तें लागू। डायरेक्टर राज ठाकुर सर, मीरा कॉम्प्लेक्स, एटा चुंगी, GT रोड, अलीगढ़। मोबाइल नंबर 8535022214, 6397847915। बढ़ती महंगाई में बिजली का बिल आसमान छू रहा है। बिजली के बढ़ते बिल से बचने के लिए अपनाइए UTL सोलर। भारत का नंबर 1 ब्रांड श्री प्रदीप कुमार द्वारा UTL सोलर, पता सूर्य इंटरप्राइजेज, बाउजी मार्केट इन फ्रंट ऑफ विष्णु धाम कॉलोनी गेट अलीगढ़। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7599218722 8212044859।